यार ये हेलरी क्लिंटन और शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई चक्कर है क्या बेवकूफी है, अभी चक्कर है? यार? वो सारे चैनलों पे चल रहा है, वो हंस के एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और टकरे भी मार रहे हैं। हो टकरे बातें कर रहे हैं, हंस हंस के टकरे कब मार रहे हैं? टक्कर कोई जरूरी नहीं है कि दूर से आके तो मारी जाए, वो अच्छा जो चक्कर वाली होती है वो ऐसी होती है इतनी सी। यार तो बता, कितना बुरा लगता है इस तरह की हरकतें यार, करता टीवी चैनलों पे चल रहा है यार, उनको नहीं बुरा लग रहा, उन्होंने मुझे कोई बुरा। टक्कर शक्कर नहीं मारी, हंसते रहे हैं। और इस तरह मिलना मिलाना जो है ये एक सफारती अदब आदाब का हिस्सा है, इसमें ऐसी क्या? अच्छा सफारती चक्कर है? हाँ, चक्कर नहीं है यार, ये क्या बेहूदगी है? यार मैं तुम्हें सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि मिस्टर क्लिंटन के उधर को 50,000 बदमाश वाकफ है, इतनी देर वो इकतदार में रहा है और बड़ा तगड़ा बंदा है। ये ना हो कि वो गली की नुक्कड़ पे खड़ा होकर सीटी मारे, उधर हाकियां लेके हजारों बदमाश इकट्ठे हो जाए और बाद में पता चले कि वापसी पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने पट्टी के साथ बाजू लटकाया हुआ। यानी फट्टड़ हो गया आगे। तो और क्या, ये ऐसी कोई बात नहीं, एक सफारती मिशन पर गए हुए हैं मखदूम साहब और कियानी साहब। यार ये कियानी साहब साथ क्यों गए हुए हैं मुजाकरात में? हुकूमत पे कोई बेतबारी है इनको? नहीं बेतबारी तो नहीं है, लेकिन हालात कुछ इस किस्म के हो चुके हैं, मामलात इस खित्ते के इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि अब उनकी मौजूदगी जरूरी है। और अगर सच पूछो तो ये डिमांड अमरीका की भी थी कि जनाब आप अकेले अकेले हमारे पास मत आए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जैसे हम कल गुजारिश कर रहे थे और ये वो जो दो ड्राइवरों वाली बात कर रहे हैं। जी जी जी, तो अमेरिका वो गलतियां नहीं दोहराना चाहता जो पहले कर चुका है। चुनाचे मुजाकरात में और इस नौयत के सेंसिटिव और अहम मुजाकरात में आर्मी चीफ का साथ बैठना बहुत जरूरी है। तो फिर दफ्तर खारजा शबरात के लिए शुरलियां पटाखे बनाने लग जाए हाँ, वो भी एक बड़ा अच्छा बिजनेस है यार। ये मैंने कहा था कि सब इकट्ठे करेंगे, अकेले अकेले अलग अलग खाने नहीं होंगे अब। ये शबरात के पटाखे यार नहीं, क्या इकट्ठे करेंगे यार? मजाकरात। अच्छा, मजाकरात। अंदाजा नहीं है कि ये कितना बड़ा विजिट है, और अगर ये अपने 50% अहदाफ भी हासिल कर लें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। अल्लाह करे अल्लाह करे, कियानी साहब से ही को उम्मीद रखी जा सकती है। मखदूम साहब तो उधर हेलरी के क्लास फेलो का पार्ट अदा कर रहे हैं। यार तुम्हें मखदूम साहब के साथ कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है, मैंने बड़ी हेलरियां देखी हुई हैं। लो अब ये, मैं बचपन से इंग्लिश फिल्में देखता फिरता हूँ, इससे खूबसूरत हीरोइन मैं देख चुका हूँ, मुझे ऐसा क्या प्रॉब्लम होना है? क्लिंटन जाने और मखदूम साहब जाने, यानी जट जाने और बिजू जाने हमें। वैसे हेलरी दोबारा चक्कर लगाएगी पाकिस्तान का? तुम्हें इससे क्या है अगर वो दोबारा चक्कर लगाती है या नहीं लगाती? नहीं मतलब सफारती तलकात ही बढ़ेंगे ना। तुम इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रहे हो यार? वैसे ही मैं कह रहा हूँ, वो इधर पहले नहीं थी, वो हरा सूट पहन के प्यारा सा तो फिरती रही है। अच्छा, यानी तुम्हें बाकी प्रॉब्लम है तुम सब? यार तुम खाम खाई क्लिंटन को मेरे बारे में मशकूक कर रहे हो। चलो आज खैर तो है, सारे सदर ही मेरे खिलाफ करने हैं तुमने। जरदारी साहब तो पता नहीं मुझे छोड़ दे, क्लिंटन ने तो मुझे अंग्रेजी में ठुड्डे मार दिए। उन्होंने तो मेरा वो हाल करना है जो इमरान बाबर DSP का हो रहा है, उन्होंने मुझे गड्डी में फेंकना ही है। उसका तो बहुत बुरा हाल हो रहा है वैसे। बाकी नहीं, वैसे ये सिविल न्यूक्लियर हमें मिल रहा है कि उधर से? नहीं इम्कान तो है, देखो ये अभी तो फिलहाल आगाज हुआ है, अभी तो काफी दूर तक चलेगा ये सिलसिला, इतनी आसानी से नहीं देते वो। अच्छा जी। हाँ जी, तो बचा तो हमें फिर सिर्फ तस्वीरें और टकरी ना। यार उन टकरों की जान छोड़ दो प्लीज। वैसे अमेरिका में कोई ऐसा है सिलसिला कि बीवी को आप हंसता हुआ किसी के साथ देख ले तो पुलिस बुला ले? यार पता नहीं कहा यार, ये तो पाकिस्तान में भी नहीं होता। तुम्हारे आसाब पे क्लिंटन सवार है, जो इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट है उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं? यो तो बेचारा छोटी सी उम्र का हेलरी ने उसे कह देना काका तेरे नहीं पता उधर को बह गया। तो बिल्कुल बच्चा सा है, अगर उसके कान उतार लो तो बाकी हमें 15-16 साल बचते हैं। तो कन्नों की वजह से बेचारा 40-45 का लगता। नहीं वैसे कितने फीसद हम कान है सिविल न्यूक्लियर मिलने के? नहीं पुरुमीद तो हम हैं, लेकिन जहां तक फीसद का ताल्लुक है फिलहाल 20% भी नहीं है इनका। हाँ जी यार, वैसे मखदूम साहब को चाहिए अगर सिविल न्यूक्लियर ना मिले अच्छा
हैलरी को तलाक कराए। ऐसे ही बदला ले उनसे। खुदी नजरात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। दैट इज नॉट गुड यार। तो और क्या करें फिर हम, सिवल्लियों क्लियर क्यों नहीं दे रहे।